घर में मेहमान आने के बाद अगर इसमें आप चाय लेके जाते हैं तो पर मेहमान आपको चाय को कम देखेगा, स्ट्रे को ज़्यादा देखेगा। कुछ ऐसा काम करा जो उनको पैसा भी मिले और सम्मान भी मिले, सम्मान के साथ। तो जैसे डोम लोग सुअर पालन का काम ही कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे वो मतलब घृणा के नज़र से लोग देखते हैं। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वैसे व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँच जाए जो व्यक्ति मार्केट प्रोड्यूस कर सके या फिर इन्वेस्टमेंट इस पर कर सके। आप लोग देख सकते हैं कि मैं चंपारण के उत्तरी पटजिरवा गांव में मौजूद हूं और यह गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बांस के बने हुए सामान हैं ये कितने यूनिक है। कलम रखने वाला अलग सामान है, डस्टबिन अलग है, छोटा बड़ा सब प्रकार का डस्टबिन यहाँ पर दिखाई देगा आपको, छोटा बड़ा सब तरीके का। और यहाँ पर महिलाओं के विशेष उपयोग के लिए बनाया गया है, ये भी महिलाओं के विशेष उपयोग के लिए श्रृंगार बॉक्स बनाया गया है, ये घर में लगाने के लिए लालटेन बनाया गया है, देख सकते हैं आप लोग। इलेक्ट्रिक बल्ब लगा लीजिए और इसको रात में जलाने पर काफ़ी सुंदर दिखेगा। और उसके अलावा ये छोटा बड़ा ट्रे है, और इसके अलावा जो ये पीछे दिख रहा है ये चप्पल जूता रखने के लिए है, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए और बच्चों के लिए अलग अलग तरीके का इसमें बनाया गया है। विशेष तौर पर ध्यान दे करके इस चीज़ का निर्माण कराया गया है। सबसे पहले हम गिरधारी राम जी को अपने चैनल पर स्वागत करना चाहेंगे और उनसे बात करने का कोशिश करेंगे आखिर ये कारनामा करने वाला व्यक्ति कौन है और इतना अच्छा कारनामा और किसके बदौलत हुआ है ये पूछने का कोशिश करेंगे और आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। आप ये बताइए कि ये बांस का यूनिक आइटम जो ये डस्टबिन बनाया गया है इतना सुंदर दिख रहा है, ये तो मार्केट में तुरंत का तुरंत बिक जाएगा। जी, इसमें है कि फिया फाउंडेशन एक नई दिल्ली की संस्था है जो दलितों के बीच में काम करती है, तो उसका कॉन्सेप्ट था कि भाई जो दलित लोग काम करते हैं खासतौर पर डोम लोग जो अपेक्षित लोग हैं, उपेक्षित लोग जो हैं, तो उनको बढ़िया पैसा नहीं मिल पाता है और समाज में उनको सम्मान भी नहीं मिल पाता है, तो इसलिए उसने सोचा कि कुछ ऐसा काम करा जो उनको पैसा भी मिले और सम्मान भी मिले, सम्मान के साथ। तो जैसे डोम लोग सुअर पालन का काम ही कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे वो मतलब घृणा के नज़र से लोग देखते हैं। तो 15 दिन का ट्रेनिंग है यहाँ पर पटजिरवा में कराया गया फिया फाउंडेशन के सहयोग से, और सिबाट एक संस्था है लखनऊ की जो, और उसके मास्टर ट्रेनर हैं वो आए थे केदारनाथ से, आए थे यहाँ पर केदारनाथ उत्तराखंड से, लखनऊ से। जी, और लखनऊ वहाँ पर संस्था, तो वहाँ से आकर के उन्होंने 15 दिन का ट्रेनिंग दिया और इसका जो पूरा खर्च है फिया फाउंडेशन ने उठाया और 15 दिन में लोग सीख लिए हैं, साथ में मेरा भी सहयोग रहा है, एक दो आइटम मैंने भी सीख लिया उनके साथ। आपने क्या बनाया? मैंने एक ट्रे बनाया है और ये फूल वाला इसको भी मैंने बनाया है और एक चाय वाला कप है मैंने उसे भी बनाया है, ये है। तो दो तीन के काम मैंने भी सीखा है। लोगों के दिमाग में है कि जातीय आधार पर जो पैसा है लोग कहते हैं कि फलाने अवधारणा है, तो उस अवधारणा को तोड़ने के लिए भी संस्था इस पर काम करेगी, दूसरे लोग भी सीख सकते हैं जो उपेक्षित लोग हैं उनको सम्मान मिले, इसी पर काम किया जा रहा है। इसमें है कि दूसरा चीज़ है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल हम लोग धड़ने से करते हैं, धड़ने से करते हैं उसमें कई तरह के नुकसान है, कैंसर से लेकर कई तरह की चीज़ें हैं। इसमें प्लास्टिक का कहीं से इस्तेमाल नहीं है और मजबूत भी है, यूनिक है, लोग आराम से रख सकते हैं। प्लास्टिक का तो बहुत आया, सोने चांदी का आया, लोहे का आया, पीतल का, हर चीज़ का है, लेकिन अब बाँस का भी सामग्री अब मार्केट में उतारा जा रहा है। और इसमें सरकार का भी इस पर जोर है, संस्था का भी जोर है, और आप जैसे और मेरे जैसे लोग लगेंगे तो इस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें कोई भी ऐसा सामान मेरे हिसाब से तो नहीं दिख रहा है कि जिसको ये कहा जा सके नहीं ये सुंदर नहीं है, ये अच्छा नहीं है। ये कलम रखने के लिए, सामान रखने के लिए टेबल पर ये है, इतना सारा सामान, ये सब कलम वगैरह रखने के लिए टेबल पर कुछ रखने के लिए बनाया गया है, इतना सुंदर लग रहा है, यूनिक लग रहा है। साबुन रखने के लिए, बर्स रखने के लिए जो प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं उस जगह पर ऐसे दीवार में आप कील ठोकर लगा दीजिए, इसमें आप साबुन रख सकते हैं, बर्स रख सकते हैं, पेस्ट वगैरह इसमें जो लोग रखते हैं दीवार पर रख दीजिए। हाँ, बिकता है प्लास्टिक वाला, उसके जगह पर इसको लगा सकते हैं। ये यूनिक भी दिख रहा है जी, और इको फ्रेंडली है, कहीं भी फेंक दीजिए टूट जाने के बाद ये आराम से सड़ गल जाएगा। प्लास्टिक हमारे लिए और हमारे जीवन के लिए कितना ज़्यादा बेकार साबित हो चुका है और प्लास्टिक से कितना प्रदूषण फैल रहा है, सरकारें तबाह है, लोग तबाह है, प्लास्टिक हमारे जीवन का सबसे घटिया आविष्कार साबित हुआ है। अच्छा भी हुआ है, उसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों हो रहा है मार्केट में, लोगों के बीच में, लेकिन इससे कहीं भी आपको कचरा नहीं फैलेगा। इसलिए कि यहाँ फेंकिएगा और 6 महीने के बाद जहाँ फेंके रहिएगा जाइएगा देखिएगा, फेंक देने के बाद ही मिट्टी इसको खा चबा जाएगी, यानी कि सड़ गल जाएगा।
ठीक है। इसमें एक चीज़ और है कि इसमें किसानों को भी फायदा है, जो किसान बांस का खेती करता है तो किसान का जब ये इस तरह का जब मटेरियल तैयार होगा तो किसान का भी बांस बिकेगा, तो किसान को भी फायदा है और जो बनाने वाले लोग हैं उनको भी उनकी भी कमाई बढ़ेगी, उनकी भी आमदनी बढ़ेगी और उपभोक्ता को भी यूनिक सामान मिलेगा, उपभोक्ता को भी यूनिक सामान मिलेगा। ये डस्टबिन प्लास्टिक का, स्टील का और कई सारे धातुओं का हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इतना यूनिक वो नहीं होता है, इतना सुंदर नहीं होता। ये डस्टबिन हम लोग अपने घर में लगा सकते हैं, यदि इस प्रकार का डस्टबिन, वो बड़ा वाला दीजिएगा, यदि इस प्रकार का डस्टबिन आज का आज यदि हमारे बेतिया शहर में रख दिया जाए, एक घंटे के अंदर ये डस्टबिन बिक जाएगा, कहीं दो राय नहीं है एक पैसे के भी। लेकिन अब इसमें अड़चन कहाँ आ रही है आप लोगों को? अभी तो काम हम लोगों ने शुरू किया है और बाकी और भी सरकार के जो लोग हैं वो लोग भी हाथ बढ़ाने के लिए, हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं कि हम इसमें सहयोग करेंगे। जैसे जीविका के पास बजाते इसका सब्सिडी वाला लोन है, लोन दे करके और महिलाओं के बीच में लोग काम करते हैं तो एक पीजी प्रोड्यूसर ग्रुप बनता है, वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम प्रोड्यूसर ग्रुप बना करके इसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो हमारा काम है कि ट्रेनिंग दे दिए, उनका जो उपकरण जो होता है हमने दे दिया, टेंड कर दिया, मार्केट की तलाश से सरकार के लोग और वे लोग आप जैसे और मेरे जैसे लोग मिल के ही करेंगे और इसमें जुड़ेंगे भी, खुद से भी करेंगे, कराएंगे भी। यदि मेरा वीडियो कोई ऐसे व्यक्ति देख रहे हैं जो व्यक्ति इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मार्केट दे सकते हैं या फिर लोगों को और अधिक अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं तो वो लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नाम है गिरधारी राम जी, ये उत्तरी पटजिरवा से बिलोंग करते हैं। पटजिरवा माई स्थान जो आप लोगों ने सुना होगा ये पूरे चंपारण में प्रसिद्ध है, बिहार में भी प्रसिद्ध है। तो पटजिरवा माई स्थान के पास आइएगा और केवल इनका नाम रखिएगा, गिरधारी राम जी से हमको मिलना है, तो लोग बता देगा। मार्केट प्रोड्यूस करना और व्यापार को आगे तक बढ़ाना यदि आप लोग चाहते हैं तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा और यूनिक आइटम है, ये कप इतना सुंदर है, बांस का बना हुआ है, चाइना से इंपोर्टेड कप हम लोग यूज करते हैं, चीनी मिट्टी से बना हुआ कप हम लोग यूज करते हैं, प्लास्टिक का भी बना हुआ कप यूज करते हैं, कई सारे मटेरियल्स धातु का भी बनता है उसका भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इतना सुंदर और यूनिक वो चीज़ें नहीं होती है। घर में मेहमान आने के बाद अगर इसमें आप चाय लेके जाते हैं तो पहले मेहमान आपको चाय को कम देखेगा, स्ट्रे को ज़्यादा देखेगा। घर में मेहमान आने के बाद चाय लेके जाइएगा तो सच में मेहमान लोग पहले ट्रे देखेगा, चाय को बाद में देखेगा, ये तो गारंटी है। और क्या क्या पहल हुआ है इस क्षेत्र में? पहल तो अभी ट्रेनिंग हो गया है, हाँ। अब हम लोग इसमें लग रहे हैं कि मार्च 16 दिन के बाद अब इसमें लगे हैं, कल से इस फिर इसमें हम लोग क्या होता है, एक दुकान खोलने की बात है कि हम लोग एक सेंटर खोलेंगे, जो लोग ट्रेनिंग पा ली हैं वो लोग माल तैयार करेंगे, वहाँ दुकान पर रखेंगे, अपना पैसा लेके जाएंगे और दुकान पर जो व्यक्ति होगा फिर मार्केट की तलाश करेंगे, बाहर में कैसे माल भेजना है, कैसे वहाँ से बिक्री होगा, इस पर सब लोग लगे हैं। ये भी काफ़ी अच्छा यूनिक लगा है हमें। आप लोग घर में गुलदस्ता वगैरह का यूज करते हैं और बहुत सारा मटेरियल का बना हुआ चीज़, प्लास्टिक का बना हुआ चीज़ यूज करते हैं, लेकिन इतना सुंदर और इको फ्रेंडली चीज़ आपको नहीं मिलेगा घर में। इसको टांगने के लिए शो पीस के लिए है, सुंदर दिख रहा है, काफ़ी अच्छा है, यूनिक है। इस प्रकार की कलाकृतियों को और इस प्रकार के कारनामे को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और वीडियो को आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वैसे व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँच जाए जो व्यक्ति मार्केट प्रोड्यूस कर सके या फिर इन्वेस्टमेंट इस पर कर सके। ये जो बांस का बना हुआ है ये चप्पल जूता रखने के लिए यहाँ पे, कैसे बताएं क्या बोल रहे थे? इसमें पुरुष का जूता लंबा होता है तो इसमें पुरुष का जूता रखा जाएगा, इसमें महिला का रखा जाएगा और इसमें ऊपर वाले में बच्चे का रखा जाएगा, तीन तरह का है। अच्छा, तीन तरह का है झोला जी। पटरी उटरी का, लकड़ी उकड़ी का बनाने का जरूरत नहीं है, लकड़ी काफ़ी महंगा हो चुका है। इसमें है कि छोटा जगह कम ही छेकेगा और घर में जो भी जूता चप्पल लोग बिखेर के रखते हैं उस तरह नहीं है, एक ही जगह कम जगह में ही जितना भी कम से कम 10-15 जूता चप्पल आराम से रखा जा सकता है। अभी इसमें प्राइस का निर्धारण नहीं हुआ है, बहुत जल्द ये सिर्फ और सिर्फ अभी बना हुआ है, इसको बनाया गया है ट्रेनिंग पर्पस के लिए। और इसमें अगर कोई व्यक्ति सामने आता है या फिर कोई व्यक्ति मार्केट प्रोड्यूस करना चाहता है वो आएगा तो इस सामान को और यूनिक तरीके से बनाया जाएगा और मार्केट के हिसाब से इसको और अच्छे तरीके से बनाया जाएगा। और जो जो भी मार्केट में चीज़ें हैं और भी बहुत सारी स्कोप्स हैं मार्केट में चीज़ों को बनाने का, तो वो बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बांस से बना हुआ है, बांस से, और बांस का उपयोग अब घर बनाने के लिए भी नहीं हो रहा है, तो बांस ज़रूरी हमारे लिए
था, लेकिन अब बांस ये शक्ल ले लेगा आज कि हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं। और उत्तराखंड की कोई संस्था आकर के हमारे लोगों को ट्रेन कर रही है और बिहार के खास करके लोगों को ट्रेन कर रही है, तो बहुत अच्छा प्रयास है इन लोगों का। इनके प्रयास को आगे आयाम तक पहुंचाना हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। बाकी मेरा वीडियो और मेरा प्रयास कैसा लगा, और गिरधारी जी का जो प्रयास है, जो संस्था को बुला करके यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दिलवाए और इतना सारा यूनिक काम करने के लिए उनको ट्रेनिंग दिलवा करके आगे काम करने के लिए बाध्य कर रहे हैं और बिहार में ही रोजगार के स्कोप नए बना रहे हैं, इसके विषय में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद।